Good morning, students. In last class, we have started chapter Microsoft Word, and we discussed about introduction to MS Word and window of Microsoft Office Word. Today, we will discuss about some more features of Word. Word 2007 में हमें ribbon system मिला, जिससे जो भी menus और commands different groups में collect होके organize होके हमें ribbon पर मिल जाते हैं. पहले ये सब ऑप्शन हमें टूल बार्स में मिलते थे. क्विक स्टाइल्स का ऑप्शन हमें मिला. क्विक स्टाइल्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉर्मेटिंग एंड हेडिंग ऑप्शंस दैट आर डिस्प्लेड इन स्टाइल्स गैलरी. नेक्स्ट थीम्स का हमें ऑप्शन मिला. थीम्स भी स्टाइल्स की तरह टूल हैं जो पहले से ही फॉर्मेटेड होती हैं. हम इनमें से कोई भी थीम अपनी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्यूज इन एमएस वर्ड. MS Word में हमें डिफरेंट टाइप के व्यूज़ मिलते हैं, लाइक नॉर्मल व्यू, इट इज़ द बेस्ट व्यू फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. लेआउट व्यू, इट शोज़ हाउ अवर डॉक्यूमेंट लुक ऑन ए वेब पेज, हमारा डॉक्यूमेंट वेब पेज पर कैसे दिखाई देता है. रीडिंग लेआउट, इट इज़ द बेस्ट वे फॉर डॉक्यूमेंट वी डू नॉट नीड टू एडिट. जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने सिर्फ रीड करना होता है, उसमें हमने एडिटिंग नहीं करनी होती, तो हम उसे रीडिंग लेआउट में चेक कर सकते हैं. प्रिंट लेआउट, दिस व्यू शोज दैट अवर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक वैन इट इज़ प्रिंटेड. जब भी हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो इसी तरह से शो होगा. ये हमें शो करता है प्रिंट लेआउट व्यू. नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू, इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट आउटलाइंस. इज फुल स्क्रीन व्यू, दिस व्यू ओनली डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट दैट यू आर वर्किंग ऑन. ये सिर्फ हमें वो डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पर दिखाता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं. हाउ टू चेंज अवर डॉक्यूमेंट्स, लेट अस सी, चलिए देखते हैं. डिफरेंट व्यूज़ चेक करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू बटन पर क्लिक करना है, एंड देन हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे लाइक प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट. हम इनमें से किसी भी एक लेआउट को चेक कर सकते हैं. सपोज हमने फुल स्क्रीन रीडिंग पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू मिल जाएगा. ऐसे ही हम दूसरे व्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं. नाउ चेंजिंग योर डॉक्यूमेंट व्यू के बाद क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, हम अपने वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, एंड देन न्यू बटन पर क्लिक करना है. यहाँ हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा. हमने इस फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, एंड देन क्रिएट पर क्लिक करना है. हमारा न्यू डॉक्यूमेंट हमें मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम भी चेंज हो गया है, डॉक्यूमेंट 2 हो गया है. नेक्स्ट इज हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं. उसके लिए भी हमें सेम ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, देन सेव बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें फाइल नेम बॉक्स में अपनी फाइल का नेम राइट करना है. लाइक आपने यहाँ पर नेम राइट किया विक्टर, इसे हम सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे विक्टर वन के नाम से फाइल सेव हो गई है. नाउ सेव एज का क्या यूज़ होता है, ऑफिस बटन में सेव के नीचे हमें सेव एज का ऑप्शन मिलता है. अगर हम सेव एज का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हम अपनी वही फाइल किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं. लाइक हमने इसका नेम विक्टर 2 राइट कर दिया एंड सेव पे क्लिक किया तो विक्टर 2 के नाम से ये फाइल डुप्लीकेट सेव हो गई है. नेक्स्ट सेव एज में और क्या ऑप्शंस होते हैं, सेव एज में हम अपनी फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में देख सकते हैं, टेम्पलेट के, जो हमारे पास 97 या 2003 विंडो थी उसमें भी चेक कर सकते हैं, एंड अदर फॉर्मेट्स में भी चेंज कर सकते हैं. और हमने एग्ज़िट करना हो तो हम एग्ज़िट वर्ड पर क्लिक करेंगे और हम वर्ड से बाहर आ जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.